महाराष्ट्र समिट में जो हमारे पास आवेदन आए थे उनको तत्काल प्रभाव से काम चालू हो और इंडस्ट्रीज स्थापित हो। एक आवेदक को कुछ दिक्कत था तो उसे हमने हद से सॉल्व कराया है और जितने भी हमारे उद्यमी थे सभी ने स्वीकार किया कि विद्युत आपूर्ति अब बहुत बेहतर है और इसके अलावा जितनी उनकी प्रॉब्लम्स थी हमने कोशिश किया कि उनको सॉर्ट आउट किया जाए। अच्छा माहौल है और उद्यमी आगे आ रहे हैं, नई इंडस्ट्रीज भी लगा। हर माह जिला स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक होती है, इसी के बारे में जानकारी लेने के लिए आज हम जिला उद्योग कार्यालय में हैं और यहाँ के डिप्टी कमिश्नर से जानेंगे कि इस बैठक का लक्ष्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या रहता है और किस प्रकार से वो उद्योग जगत के लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हैं। नमस्कार सिंह साहब, और स्वागत है आपका ईटीवी से बात करने के लिए, धन्यवाद। जरा बताएं कि इस बैठक का मुख्य लक्ष्य क्या है और क्या उद्देश्य है आपके? उद्योग बंधु के इन्हीं उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक जो है इन्वेस्टर समिट किया था 2018 फरवरी 2018 में, और यहाँ पर 5 इंडस्ट्री जो है अपना उद्योग स्थापना करने के लिए एमओयू जारी किए थे, उनमें से 3 पर काम शुरू हो गया है। इसी से ये स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान सरकार और वर्तमान में उद्योग बंधु की सार्थकता क्या है। तो हम लोग जो है हमारी सरकार पूर्ण रूप से माने उद्योगों को त्वरित गति देने के लिए उद्योग बंधु की बैठकों को प्रतिमाह निश्चित रूप से कराने अनिवार्यता माने क्रम से होने हुए और उद्यमियों की प्रत्येक समस्या का समाधान हो। जो समस्याएं यहाँ हल नहीं होती वो मंडली उद्योग बंधु की बैठक में भेज दी जाती हैं। अभी हमारे जनपद में एक जो है औद्योगिक क्षेत्र जो हमारा मावा और सुल्तानपुर रोड में है उसमें रोडों की समस्या थी, उसके लिए जब यहाँ से वो हल नहीं हो पा रहा था तो तत्काल जो है उसको मंडली उद्योग बंधु को भेजा गया और मंडली उद्योग बंधु में तत्काल उस पर निर्णय लिया गया कि जो ये एस्टीमेट आया है इसको परीक्षण कराने जिलाधिकारी महोदय रायबरेली और पुनः इसको भेजें जिससे समस्या का निदान कराया जा सके। जिला उद्योग केंद्र हमेशा से उद्योग बंधुओं की समस्या का निराकरण का दावा करता रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि योगी सरकार में जो इनका दावा है वो जमीन पे साकार